नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वैभव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों हमारे आपके चैनल टेक्नो इंडिया में। तो दोस्तों, यहाँ पे ट्राई ने काफ़ी बड़ा बयान दिया दोस्तों टाटा स्काई के बारे में, काफ़ी बड़ा बयान है आप देखेंगे। तो यहाँ पे सीधा सीधा बताया दोस्तों टाटा स्काई के लिए ट्राई ने कि टाटा स्काई जल्दी से जल्दी अपना नियम को लागू करे, जो ट्राई का नया नियम दिया, नए गाइडलाइंस जिस तरह से दिए दोस्तों उसको पालन करे, नहीं तो टाटा स्काई के ऊपर काफ़ी बड़ा यहाँ पे फैसला हो सकता है, ट्राई उसके ऊपर एक्शन ले सकते हो। तो ये काफ़ी बड़ा बड़ा इनारा दोस्तों ऑफिशियल ट्राई के ऑफिशियल ने बताया सीधा सीधा। तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा वो क्या बोल रहे हैं, आप उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनिए दोस्तों। तो उन्होंने यहाँ पे साफ साफ बताया और कस्टमर को भी टाटा स्काई का सूचित कर लिया कि अगर टाटा स्काई 1 फरवरी से पहले नए वाले रूल्स लागू नहीं करता है तो यहाँ पे ग्राहकों के लिए परेशानी हो सकती है। तो ग्राहकों को उन्हें सूचित किया है कि आप अपने टाटा स्काई कस्टमर केयर या ऑफिशियल्स को बताइए कि हमें जल्दी से जल्दी ये ट्राई का नया नियम लागू करके दीजिए, नई गाइडलाइंस जिस तरह से ट्राई ने लागू की है उस तरह से आप हमें पैकेजेस या चैनल सुनने के लिए आप हमें आज़ादी दें। तो उसी तरह से दोस्तों काफ़ी बड़ा बयान आया ऑफिशियल्स ने, क्या बताया टाटा स्काई को पूरी तरह से अच्छी तरह से फटकार लगाया दोस्तों और उनको यहाँ पे अपना नियम जो लागू करने के लिए यहाँ पे आदेश दिए हैं। तो आप सुनिए दोस्तों टाटा स्काई के बारे में ट्राई के ऑफिशियल्स क्या बोल रहे हैं। कंज्यूमर्स को ये बात समझ में आ रही है कि ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उनके लिए अच्छा है और वो ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन कुछ हैं, जैसे टाटा स्काई का नाम ले या इसके अलावा भी कुछ हैं, जिन्होंने अभी तक अपने और कंज्यूमर्स को ये नहीं कहा बताया कि वो कैसे पैक चुन सकते हैं। एक टिकर चला रहे हैं कि हम आपको समय पर बताएंगे और शायद दिल्ली हाईकोर्ट में भी है वो ट्राई के खिलाफ। उनके उनके कंज्यूमर्स का क्या होगा, मैं उस मामले से ज्यादा उनके कंज्यूमर्स के बारे में जानना चाहता हूँ। टाटा स्काई को हम लोगों ने एक डायरेक्शन दी है 17 जनवरी को कि आप तुरंत प्रभाव से इस रेगुलेशन को लागू करें, अपने कंज्यूमर्स को च्वाइस दें, उनसे हमने मीटिंग्स भी की हैं और हमें उम्मीद है कि 31 जनवरी के पहले वो अपने कंज्यूमर्स को च्वाइस देंगे। और अगर नहीं देते हैं तो कंज्यूमर्स को मैं बताना चाहता हूं कि वो उस बात का ध्यान रखें, अगर वो टाटा स्काई के कंज्यूमर्स हैं, कि हो सकता है कि उनको कोई परेशानी हो 1 फरवरी के बाद। इसलिए अपने टाटा स्काई ऑपरेटर से कहें कि ट्राई के रेगुलेशंस को फॉलो करें और जल्दी से जल्दी उनको च्वाइस दें जिससे उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ठीक है, मतलब आपका कहने का मतलब है कि ट्राई साफ साफ कह रहा है कि टाटा स्काई आपके नियमों का पालन कर। आपने अभी सुना ट्राई के ऑफिशियल्स ने टाटा स्काई के बारे में क्या राय दी है। आपके जो भी सवाल रहेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है ट्राई टाटा स्काई के इस रवैये के बारे में और जो ट्राई ने जो ऑफिसर्स ने खुद बताया दोस्तों टाटा स्काई के बारे में, तो आप अपने कमेंट्स अपनी राय कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताइए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप जरूर लाइक जरूर कीजिए, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि इस तरह से अच्छे वीडियो मैं आपको हमेशा देने की कोशिश जरूर करता हूँ। तो मैं वैभव आपको मिलता हूँ किसी नए वीडियो नए साथ, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच दोस्तों।